मेरे जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी के इतिहास में पहली बार तीनों विधायक यहाँ से जीत करके गए। 14 में टिकट नहीं दी, 19 में टिकट नहीं दी। अब सब्र का फल तो कहीं ना कहीं होता ही है। अब 2024 14 साल का तो रामचंद्र जी का भी वनवास खत्म हो गया था, 14 साल से ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। तो उनको कोसली से चुनाव लड़ाना चाहिए था, उनको यहाँ ला करके मैं समझता हूँ उनके साथ भी अन्याय किया है, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय किया है। कि लक्ष्मण यादव को जो टिकट दी वो आपको देनी चाहिए थी, आप क्या मजबूत आधार मानते हैं? ये तो पार्टी बताएगी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी में आया था, मुझे उम्मीद थी, लेकिन 3 बार हो गया। अब पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, सबके साथ मेरे संबंध रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी का भी फोन आया था मेरे पास, सभी के और भी बहुत सारे लोगों की, हाँ मैं समझता हूँ सबको बताने की जरूरत नहीं है। फोन आना एक अलग बात है, इतनी संवेदनशीलता जताने की जरूरत नहीं है। अगर भाजपा पूरी कोशिश करती है सतीश खोड़ा को मनाने की, आपने कहा इतने लंबे समय से जुड़े हुए थे, परिवार की तरह काम किया है, तो अगर मनाती है तो 19-20 कुछ चांस है कि मान जाए आप? नहीं, मैंने ऐलान कर दिया कि रेवाड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ये अंतिम फैसला है। नमस्कार, एनजेपी हरियाणा की टीम आज मौजूद है सतीश खोड़ा के रेवाड़ी ऑफिस में। पहले भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल पार्टी ने टिकट लक्ष्मण यादव को दे दी। उसके बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पार्टी को बाय बाय कहने का मन बनाया है। सीधा यहीं से शुरुआत करते हैं, पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने की क्या जरूरत पड़ी? 2010 में भारतीय जनता पार्टी में आया था जी। ऐसे समय आया था जब कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता बन के तैयार नहीं था, मंडल अध्यक्ष बनाते थे, वो अगले दिन छोड़ के भाग जाते थे जी। मैंने काम किया, पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के इतिहास में पहली बार जी। तीनों विधायक यहाँ से जीत करके गए, आज तक कोई जीता नहीं। मोदी जी की रैली, उस समय जब कोई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना पसंद नहीं करता था, बीजेपी को छोटी पार्टी समझते थे, उस समय मोदी जी की रैली हमने कराई। उसके बाद जिलाध्यक्ष रहते हुए पूरे संगठन को तैयार किया। 2014 में टिकट मांगी, क्योंकि मैं तो चुनावी व्यक्ति हूँ। 2009 में कोसली से चुनाव लड़के आया था। उसके बाद 14 में टिकट नहीं दी, 19 में टिकट नहीं दी। अब सब्र का फल तो कहीं ना कहीं होता ही है। अब 2024 14 साल का तो रामचंद्र जी का भी वनवास खत्म हो गया था, 14 साल से ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए आज मैंने रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, चुनाव लड़ूंगा। जल्द ही एक दो दिन में नॉमिनेशन की तारीख डिसाइड हम कर देंगे। जिनको टिकट दी है वो कोसली के विधायक हैं, मेरे तो साथी रहे हैं, उनको मुबारकबाद। लेकिन उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र कोसली बनाया, तो उनको कोसली से चुनाव लड़ाना चाहिए था, उनको यहाँ ला करके मैं समझता हूँ उनके साथ भी अन्याय किया है, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय किया है और कोसली के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय किया है। पर कैंडिडेट चुनना तो पार्टी का काम होता है, अपने हिसाब से याद से पहले भी पार्टियां चुनती आई हैं अपना उम्मीदवार। आप जो दावेदारी अपनी जता रहे थे उसकी क्या आप मजबूत वजह मानते हैं कि लक्ष्मण यादव को जो टिकट दी वो आपको देनी चाहिए थी, आप क्या मजबूत आधार मानते हैं? ये तो पार्टी बताएगी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को रेवाड़ी विधानसभा का सर्वोत्तम कार्यकर्ता मानता हूँ, जिसने अपने इस कार्यालय से सरकार की योजनाओं का लाभ दिया और 1 लाख से ज़्यादा परिवारों का मेरे इस कार्यालय पर आवागमन रहा। और किसी भी कार्यकर्ता का फुटफॉल जिसको कहते हैं, मेरे यहाँ केंद्र के मंत्री थे, प्रदेश के मंत्री थे, विधायक थे, सभी की भीड़ एक तरफ और मेरे इस कार्यालय की भीड़ एक तरफ। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की जाति नहीं पूछता था, किसी की पार्टी नहीं पूछता था, को किसी की सिफारिश की मैंने बात नहीं की, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी ताकत से मैंने यहाँ लोगों के काम करके दिए और उस काम के आधार पर ही मैंने टिकट मांगा। और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी में आया था, मुझे उम्मीद थी, लेकिन 3 बार हो गया।
तो अभी आप रोड मैप लेकर क्या चलेंगे? हमने कुछ समय पहले जब आपसे बात करी थी तब भी ये पूछा गया था आपसे रोड मैप, तब एक पार्टी के बैनर तले आपने पूरा बताया था अपना रोड मैप। अब आप जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं तो अब क्या रोड मैप होगा सतीश खोड़ा? साथियों के साथ बैठ करके रोड मैप बनाएंगे। अभी तो इतना है कि निर्दलीय चुनाव की आज हमने घोषणा की है, एक दो दिन में हम नॉमिनेशन की तारीख बता देंगे, हमारा सिंबल आ जाएगा, उसके बाद हम पूरा प्रॉपर रेवाड़ी का मैनिफेस्टो बनाएंगे और सार्वजनिक रूप से आपको देंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुबह आपके पास भाजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी आई थी, उनके अलावा दो तीन बड़े लीडर्स ने आपसे बातचीत की है। पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, सबके साथ मेरे संबंध रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी का भी फोन आया था मेरे पास, सभी के और भी बहुत सारे लोगों की, हाँ मैं समझता हूँ सबको बताने की जरूरत नहीं है। फोन आना एक अलग बात है, इतनी संवेदनशीलता जताने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ ठोक बजा करके पार्टी का काम किया है और मेरा हक है चुनाव लड़ना, मैं कार्यकर्ताओं की डिमांड पर यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में भी कि कोई पार्टी आपको अप्रोच करे और हम आपको किसी और पार्टी के साथ देखें? मैं किसी भी दल में नहीं जाऊंगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय जीत करके ही लोगों के काम करूंगा। ये मेरा अंतिम सवाल होगा, अगर भाजपा पूरी कोशिश करती है सतीश खोड़ा को मनाने की, आपने कहा इतने लंबे समय से जुड़े हुए थे, परिवार की तरह काम किया है, तो अगर मनाती है तो 19-20 कुछ चांस है कि मान जाए आप? नहीं, मैंने ऐलान कर दिया कि रेवाड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ये अंतिम फैसला है। जितने भी साथी मेरे साथी जो यहाँ से टिकट मांग रहे थे, भाई रणधीर सिंह का परिवास जी, मेरे पिता तुल्य हैं, विधायक रहे हैं, पिछली बार भी अच्छी वोट लेकर के आए, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरे साथ आएं। भाई सतीश यादव सम्मानित नेता हैं रेवाड़ी के, अच्छी वोट लेकर के दो बार चुनाव लड़े हैं और भी अनेकों चुनाव लड़े हैं, जनता उनका सम्मान करती है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे साथ आएं। तो खुद चुनाव के भाई सतीश सन्नी यादव मेरे अनुज हैं, युवा नेता हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े, अच्छी वोट लेकर के आए, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे साथ आएं। भाई सुनील लोसेपुर मेरे छोटे भाई हैं, पिछली बार चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों से वो चुनाव हारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये सारे लोग चुनाव लड़ लिए हैं, अब की मेरी बारी है, इस बार सब मिलकर के, विधायक जी लक्ष्मण यादव तो विधायक रह चुके हैं, चिरंजीव राव पहले से ही विधायक हैं, इन बाकी सब से मेरा निवेदन है कि सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक अच्छी सोच बना करके, पढ़ा लिखा हूँ, साधन संपन्न हूँ, इन सब से ज़्यादा फुटफॉल अपने कार्यालय पर लेकर के मैंने सभी को दिखाया है, सभी से मेरा निवेदन है कि सब चुनाव को छोड़ करके अब की मेरी बारी, मेरे साथ आएं और रेवाड़ी को अच्छा प्रतिनिधित्व दिलाएं। धन्यवाद।